واو جميل. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड टिप्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको बआसानी मिलती रहे। बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। ये तकरीबन मैंने 1 kg लिया है गोश्त, थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है 1 kg से, और इस तरह से मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने छोटे पीसेस करवाए हैं, आप चाहे तो बड़े भी करवा सकते हैं। अब हम इसे डालेंगे प्रेशर कुकर में। ये मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल दिया है, क्योंकि प्रेशर कुकर में गोश्त जो है वो आसानी से गल जाता है जल्दी जल्दी। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 3 से 4 टमाटर डाल लेंगे। इस तरह से मैंने दो दो पीसेस में कट कर लिए हैं। 8 से 9 जवे जो हैं वो लहसुन के डाल रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून क्रश्ड रेड चिली, तकरीबन 1.5 से 2 कप जो है इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। मैंने 1.5 कप पानी का डाला है। आप अपने प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग डाल लें, क्योंकि हर किसी का टाइमिंग और जो है वो मुख्तलिफ होती है। किसी के प्रेशर कुकर में 10 मिनट्स में भी गोश्त जो है वो गल जाता है, किसी के प्रेशर कुकर में 15 मिनट्स में गोश्त जो है वो रेडी होता है। तो मैं अपने प्रेशर कुकर में जो है वो 10 to 12 मिनट जो है मैं इसको टाइम दूंगी। चले जी, अब इसको बंद कर देते हैं। मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है, अब हम इसकी विसल लगा देते हैं और इसको मैं रख दूँगी अब चूल्हे पर, और मिलते हैं 10 मिनट बाद, क्योंकि हमने इसको 70 to 80% कुक करना है। प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है, अब ये जो टमाटर के छिलके हैं वो मैं रिमूव कर लूँगी। ये सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब जो हमारा गोश्त है इसे मैंने एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करते हैं। ये अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, 3 अदद हरी मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया है। इन सबको कर लेंगे मिक्स। इसको हम कुक कर लेंगे जब तक हमारा ये जो पानी है गोश्त के अंदर ये ड्राई नहीं हो जाता। अब ये देखिए इसमें पानी जो है वो काफी हद तक कम हो गया है। अब हम इसमें जो है वो घी शामिल कर देंगे। घी शामिल कर लें या ऑयल शामिल कर लें, ये मैं लूंगी तकरीबन 200 ml। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे 1 कप। इसको कुक कर लेंगे जब तक कि हमारे दही का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। जी तो व्यूअर्स, ये देखें 15 से 20 मिनट पकने के बाद ये जो हमारा गोश्त है इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसमें जो है वो क्रीम शामिल करेंगे। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है, दूध से जो बलाई उतारते हैं मैंने वो वाली ली है।
आप टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं और डेरी की भी ले सकते हैं। ये आधा कप मैंने ली है, एक कप मैंने दही लिया था और ये आधा कप जो है मैंने क्रीम ली है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और 1 टीस्पून जो है वो इस तरह से दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे हम इसमें, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ऑयल हमारा जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। और 2 टेबलस्पून हम इसमें बटर डाल देंगे। जूलियन कटी हुई अदरक, जूलियन कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क देंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे हिला लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चूँकि ये बीफ कढ़ाई है तो मैं इसे कढ़ाई में ही सर्व कर दूँगी। ओके जी व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।